गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स और उसके शेप के बारे में इंफॉर्मेशन ली और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी ली। रेडी? देन आफ्टर आज के हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हमें क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है और आज इस लेक्चर के एंडिंग में हम क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स को एक साथ कंबाइन करके अलग अलग टाइप के ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले चालू करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो अलग अलग टाइप के जितने भी हमारे पास, सबसे पहले तो चलिए क्वांटम नंबर की स्लाइड बनी हुई है तो क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दे मे बी डिफाइन एज द सेट ऑफ द फोर नंबर विद द हेल्प ऑफ वी कैन गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन एंड एटम लाइक लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑक्यूपाइड शेप, ऑर्बिटल टाइप, सॉरी ऑक्यूपाइड देन शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एट्सेट्रा। रेडी? इन शॉर्ट नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो क्वांटम नंबर हमें किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का क्या अलग अलग एनर्जी उसकी क्या है, वो कौन से लोकेशन पे है, कौन से टाइप का ऑर्बिटल वो ऑक्यूपाई कर रहा है, मींस एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल पे है। ओरिएंटेशन मतलब कि उसका प्लेस है, उसकी पोजीशन है वो क्या है। देन आफ्टर उसका शेप क्या है, कौन सी कितनी एनर्जी लेके वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर देते हैं। क्लियर ना? तो इस क्वांटम नंबर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है। शुरुआत के अंदर हमें तीन क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन आफ्टर एंगुलर मोमेंट, उसका दूसरा नाम है एजीमिथल क्वांटम नंबर, देन आफ्टर मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर एंड देन आफ्टर स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? तो इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। शुरुआत में तो सिर्फ इतना जानना है कि क्वांटम नंबर एक इन शॉर्ट ऐसे नंबर्स है जिसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या प्लेस या शेप या ऑर्बिटल्स कौन सी है वो सब दिखाता है। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको इंडिकेट करेंगे एन से। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी पूरे चारों चार क्वांटम नंबर के अंदर कि आप सबसे पहले एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे कि अलग अलग प्रकार के हमारे जो भी क्वांटम नंबर है उस क्वांटम नंबर को हम इंडिकेट या तो डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है ना? बहुत ही काम की चीज़ है ये, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं रिलेटेड टू, जैसे कि ऑर्बिटल्स के साथ उसको रिलेट किया जाता है या तो फिर उसको कोई दूसरी चीज़ के साथ रिलेट किया जाता है। सारी बातें ऐसी है जो कि क्वांटम नंबर जो है वो उसके साथ कहीं ना कहीं रिलेट करे, इस तरीके से ही उसको पूछा जाता है। ठीक है, सो बच्चों ध्यान रखिएगा खास कि कहीं पे मिस्टेक हो नहीं। ठीक है, चलिए चार क्वांटम नंबर पढ़ने हैं हमें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहला जिसको एन से डिनोट करेंगे, मैं आपको डिनोटेशन बता देता हूँ। देन आफ्टर आएगा एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर जिसका दूसरा नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से इंडिकेट करेंगे। देन आफ्टर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। खास ध्यान रखिएगा बच्चों, एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे एंड देन आफ्टर स्पिन क्वांटम नंबर जिसको एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक, चालू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में है क्या। इट टेल्स अबाउट द शेल ऑफ विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। देखिए, कौन सी शेल मतलब कि कौन सी ऑर्बिट से हमारा इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है वो चीज़ दिखाता है क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, मतलब कि उनका जो एक्चुअल एनर्जी लेवल है वो कौन सा है। जैसे कि मैं कहूँ भाई मेरे पास 3p ऑर्बिटल है, समझिएगा क्या, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास 3p ऑर्बिटल है, तो 3p ऑर्बिटल के अंदर ये जो 3 है वो क्या डिनोट करता है, n, क्या डिनोट करता है, n, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, मतलब कि ये जो है वो तीसरी ऑर्बिटल यानी कि तीसरा सबशेल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा खास। चलिए, जैसे कि n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5। दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप बिटवीन द सेल। देखिए, ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये जो n है वो हमें दिखा देता है कि
कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटम जंप किस तरीके से करेगा, मतलब कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, जैसे कि हम कहेंगे n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 4 पे गया, मतलब कि वो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर 4 के बारे में बात चल रही है। यानी कि ये खास काम में आता है जब एनर्जी का एमिशन होता है और जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, बराबर ध्यान रखिएगा, हमने आगे भी ये चीज़ पढ़ ली। नाउ इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए एवरेज डिस्टेंस देता है हमें, एन जो है वो क्या है, एवरेज डिस्टेंस क्यों देता है, क्योंकि एन पोजिशन दिखाता है किसकी, शेल की, कौन से शेल के अंदर वो है, मतलब पता चल जाएगा भाई फर्स्ट सेल में है तो डिस्टेंस इतना होगा, दूसरे सेल में तो इतना होगा, तीसरे सेल में तो इतना होगा, ठीक है। वैसे जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ता जाता है, तो सीधी बात है क्योंकि एन इज इक्वल टू वन देन फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि पहला सेल n इज इक्वल टू 2, देन दूसरा सेल n इज इक्वल टू 3, देन तीसरा सेल, क्लियर, ये सारी बातें मैटर करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा खास। नाउ इट कम्प्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। देखिए हाइड्रोजन जैसी कोई भी स्पीसीज हो या तो हाइड्रोजन एटम हो उसके लिए वो क्या एनर्जी डिटरमाइन करता है, वो तो पता ही है क्योंकि एनर्जी उसकी किसके, एन मतलब क्या, शेल। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे कि फर्स्ट सेल में है तो उसकी एनर्जी कम होने वाली है एज कम्पेयर टू सेकंड सेल, एज कम्पेयर टू थर्ड सेल, एज कम्पेयर टू फोर्थ सेल, क्यों, क्योंकि जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा उतनी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना, क्योंकि सेंटर से भाई अब पकड़ में आ रहा नहीं है, अब वो दूर होता चला जा रहा है, मतलब कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। नाउ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज डिपेंड्स ओनली द वैल्यू ऑफ एन। देखिए हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन से कोई भी स्पीसीज हो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एन की, यानी कि हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर। नाउ ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, देखिए बताया गया है 1 < 2 < 3 > 4 एंड सो ऑन, मतलब कि जितना आप दूर जाते हो, ये तो आप सीधा याद भी रख सकते हो कि जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बड़ा उतनी एनर्जी ज़्यादा। ओके फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब कि जिसके अंदर अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल, यानी कि एंगुलर मोमेंट, इसके बाद का जो क्वांटम नंबर है वो दोनों पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n² तो आप लोग यहाँ पे जो 2n2 लिखा है वो 2n2 मत समझना, वो है 2n² जहाँ पे n क्या है समझना बच्चों अच्छी तरीके से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल, किसी भी नंबर के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं वो जानना हो तो मैं किससे जानकारी लेता हूँ, 2n² से। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है बच्चों, बहुत सारी बार पूछा गया है, क्योंकि ये जो है वो 2n² मतलब क्या, मेरे पास जैसे कि भाई मैं कहूँ मेरे पास तीसरी ऑर्बिट के अंदर या तीसरा सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो आप n की जगह पर सीधा 3 रख दोगे, 3² = 9 2 = 18, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 2n² मतलब 18, तो सीधा होता है आपने पढ़ा था तीसरे सेल में 2 8 18, सिंपल। सो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि 2n² जो है, 2n² वो क्या दिखाता है, 2n² जो है, 2n² जो है वो क्या दिखाएगा, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। चलिए नाउ सेकंड नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है बच्चों जरा समझ लीजिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो उसका दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, क्या, एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, या तो उसको दूसरा सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, क्लियर। सो एज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल, एल से इंडिकेट करेंगे उसको ध्यान रखिएगा, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट और सब्सिडरी क्वांटम नंबर विद इन द सेम सेल, देर आर द नंबर ऑफ सब सेल, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप इंक्रीज एंड दिस एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ द फाइन लाइन्स इन स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पे देखिए एल जो है ना वो, इसको सादी भाषा में अगर मैं समझाऊँ आपको कि अगर मेरे पास नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात करूँ तो चलिए यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। जब अगर मेरे पास जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, उसकी वैल्यू अगर मेरे पास, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे पास जो है वो अगर क्या है 1, यानी कि मेरे पास फर्स्ट सेल है, तो मेरा l है ना, l वो 0 रहता है, क्यों, l की वैल्यू 0 क्यों रहती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही सब सेल होता है, उसके अंदर 0 मतलब कि एक ही, यानी ऐसी सब सेल रहता है सिर्फ, बराबर, यानी कि ऑर्बिटल रहता है। अगर मैं n की वैल्यू 2 कर देता हूँ, l की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 1, मतलब कि एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम चलता है, ये चीज़ खास ध्यान रखेगा। यानी कि इसके ऊपर से एक फार्मूला क्या लिख सकते हो आप, L इज इक्वल टू n माइनस 1, सिंपल, रेडी। जैसे मैं L की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं कहूँ मेरे पास तीसरा सेल है, मतलब कि 3 - 1, तो मेरे L की वैल्यू सीधी मिल जाएगी 2, रेडी।
समझ में आई बात। अब वो एल की जो वैल्यू टू है वो भी डिपेंड करती है, एक नॉर्मल से लैंग्वेज में उसको टेबुलर फॉर्म में अगर उसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए, जैसे कि मैं एन की वैल्यू जैसे लिखता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे एन है, वो जैसे कि मेरे पास 1, 2, 3 और 4 है, चार नंबर मैंने लिख दी, तो मेरे पास जो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक कम होगी, क्योंकि L इक्वल टू तो मेरे पास क्या है, n माइनस वन, रेडी ना। सो मैं अगर उसकी वैल्यू पुट करना चाहूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, L इज इक्वल टू 0, इधर क्या मिलेगा 1, इधर क्या मिलेगा 2, इधर क्या मिलेगा 3, रेडी। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी 1। इन शॉर्ट 1 मतलब क्या, हम उसकी वैल्यू उस तरीके से गिनते हैं कि सेकंड सबसेल है मेरे पास, ऑर्बिटल जो है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है एल की वैल्यू, पहले 0, उसके बाद जिससे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो वैल्यू कम होती जाएगी, रेडी। आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में गिनना चाहे कि भाई जैसे कि मेरे पास एस ऑर्बिटल को भी, चलो मैं साथ में एक इंडिकेशन कर देता हूँ तो आपको पता चल जाए, पहले ऑर्बिटल लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। चलिए, जैसे कि भाई मेरे पास ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिटल n इक्वल टू 1 है तो s होगा, फिर 2 है तो p होगा, फिर d होगा और फिर f होगा, क्लियर। सो spdf हुआ, n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, रेडी। सो ऑर्बिटल्स के ऊपर, उसके ऊपर से मैं l की वैल्यू लिखना चाहूँ तो जब मेरे पास s सबसेल होगा, s समझना क्या, तो मेरे l की वैल्यू क्या होगी 0। मेरे पास जब p सबसेल होगा तो मेरे पास दो वैल्यू होगी, s भी होगा और p भी होगा, क्लियर ना, क्योंकि वो s तो अंदर चला गया, p तो बाहर की साइड आता है, मतलब मैं जब p की बात कर रहा हूँ तब s को गिनना ही पड़ेगा, मतलब वो जो वैल्यू होगी तब दो वैल्यू गिनी जाएगी, 0 भी गिनी जाएगी और 1 भी गिना जाएगा, क्लियर। यानी कि s की जो वैल्यू है वो l के लिए और उसकी जो p की खुद की वैल्यू है वो दोनों गिनी जाएगी। सेम नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, 1 एंड 2, और नीचे f पे जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 0, 1, 2 एंड 3, क्लियर ना। तो इन शॉर्ट कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे l की वैल्यू भी एक 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 कम होती जाएगी, मतलब कि रहेगी एज इट इज़, बट नंबर ऑफ सेल की कंपैरिजन में गिने तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। बट जैसे n 1 है तो नंबर ऑफ सेल l की जो वैल्यू रहेगी वो l 0, मतलब 1, 2 तो यहाँ पे 1 और 2, 3, मतलब 1, 2, 3 वैल्यू वही रहेगी, बट मैक्सिमम नंबर क्या निकल जाएंगे, एक एक कम होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 है तो उससे एक कम 0, 2 है उससे एक कम 1, 3 है उससे एक कम 0, 4 है उससे एक कम 3, क्लियर। तो ये सारी बातें वहाँ पे डिपेंड करेगी, ओके। तो ध्यान रखिएगा, खास उस वक्त आपको सारे सबसेल के बारे में ध्यान रखना है कि अगर मैं डी ऑर्बिटल पूछ रहा हूँ, सॉरी डी ऑर्बिटल के लिए बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त एस भी गिना जाएगा, पी भी गिना जाएगा और डी भी गिना जाएगा, तीनों गिना जाएगा। मतलब कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं इस ओवरऑल से पूछूं तो क्या कि भाई सपोज n इज इक्वल टू 3 है, सपोज n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, भाई l की वैल्यू हो सकती है 3, पर कौन कौन सी, 0, 1, 2, यानी कि 3 से एक कम 2 तक, बराबर। और उस वक्त ऑर्बिटल कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑर्बिटल हो सकता है भाई s, p एंड d, तीन ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है, रेडी। तो इस तरीके से सबसेल की भी कैलकुलेशन की जाती है, बराबर। तो ध्यान रखिएगा खास कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उससे n इज सपोज n इज इक्वल टू 1 देन n की वैल्यू 0, n इज इक्वल टू 2 l की वैल्यू 0 एंड 1 मतलब कि 1, देन n इज इक्वल टू 3 देन 0, 1, 2, ये सब l की अलग अलग वैल्यू रहेगी, ओके, ध्यान रखिएगा खास। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं वापस। नाउ ऑल्सो नोन एज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर विथ इन द सेम सेल, देर आर द नंबर ऑफ सब सेल, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप इंक्रीज एंड दिस एक्सप्लेन द प्रेजेंट ऑफ फाइन लाइन इन स्पेक्ट्रम, रेडी। नाउ दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट, ये क्वांटम नंबर क्या कह रहा है, जैसे कि पहला क्या कह रहा था भाई, एनर्जी को इंडिकेट कर रहा था, एन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी, वैसे ये क्या इंडिकेट करेगा ये इंडिकेट करेगा द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन सेल। देखिए कितने सबसेल, मैंने आगे बताया ना आपको कि जैसे कि भाई मैं L की वैल्यू सपोज लेता हूँ 0, 1, 2, L की तीन वैल्यू ली तो सबसेल कौन कौन से आएंगे, S, P और D, रेडी। वैसे नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबसेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी क्या, दूसरा क्या वो दिखाता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैंने आपको
बोहर मॉडल जब पढ़ाया तब बताई थी, याद है, NH अपॉन 2 पाई MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी ये L डिनोट करता है, बराबर। नाउ द शेप ऑफ द वेरियस सब सेल प्रेजेंट इन विद इन द सेम सेल, यस, ये दूसरा एक चीज़ भी क्या करता है, शेप भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, शेप तीन चीज़ें रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ध्यान रखना खास, कौन कौन सी, एक सबसे पहले तो सब सेल कौन सा है वो, नंबर ऑफ सब सेल सॉरी कितने हैं वो, देन आफ्टर एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी वो, देन आफ्टर शेप ऑफ वेरियस सब सेल, बराबर, अलग अलग सब सेल के अंदर क्या, अलग अलग सब सेल के अंदर हमें कौन कौन से माफ़ कीजिए, अलग अलग सब सेल के अंदर शेप कौन कौन से हमारे अलग अलग सब सेल के यानी कि हमारे ऑर्बिटल के वो हमें ध्यान रखना है रैली, और दूसरा रिलेटिव एनर्जी जो होती है वेरियस सब सेल की उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ एल, सॉरी द वैल्यू ऑफ एल वरीज फ्रॉम 0 to n-1, देखिए बताया गया 0 to n-1 मतलब क्या, 0 से लेके वो n से एक कम तक चलेगा, देखिए मैंने नीचे लिख दिया था वैसा ही यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, क्या n इज इक्वल टू 1, क्या n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 पे मुझे अलग अलग टाइप के सेल मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, वैसे ही साथ में आप एक और चीज़ यहाँ पे लिख दो पहले के लिए, जैसे कि l इज इक्वल टू 1 है तो s ऑर्बिटल होगा, 2 है तो p होगा, 3 है तो d होगा और 4 है तो f होगा, ठीक है, ये चीज़ आप साथ में एक नोट डाउन कर दीजिए, बराबर, ये ध्यान रखिएगा खास, इसके ऊपर से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ना आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वांटम नंबर नेम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, रेडी, या तो उसका दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है जरा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पहले तो है क्या, पहले तो मैं आपको नॉर्मल सी भाषा में समझा दूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल्स के ऊपर या ऑर्बिट्स के ऊपर से कोई दूसरी ऑर्बिटल से ऑर्बिट्स के ऊपर जाता है यानी कि क्वांटम जंप करता है, तब वो कुछ एनर्जी का एमिशन करता है या तो उसको एब्जॉर्ब करता है, ये चीज़ तो हम नील बोहर में पढ़ गए, क्लियर ना। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है खास, कि जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, मतलब कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, ये चीज़ एक्चुअल में मैक्सवेल ने बताई थी और उसकी मदद से ये सारी चीज़ें हमें पता चल पाई, बस उसी को ध्यान में रख के हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें ओरिएंटेशन दिखाता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या, पोजीशन और प्लेस, हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और प्लेस क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते क्या है वो, दिस क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द व्हेन द सोर्स प्रोड्यूसिंग द लाइन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देखिए हमने जैसे पढ़ा था ज़ीमैन इफेक्ट, बस वही इस स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ लाइन, मतलब कि ज़ीमैन इफेक्ट, रेडी। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये क्वांटम नंबर की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जैसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, उसकी मोशन को ले जाते हैं, कोई भी चीज़, बराबर, तो वो ज़ीमैन इफेक्ट दिखाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल कैन ओरिएंट देमसेल्फ इन सर्टेन प्रिफर्ड रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिटल, मतलब कि ऑर्बिटल के अंदर ये सब बिखर जाते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ अ प्रॉफर्ड, सॉरी प्रॉफिट आएगा वहाँ पे, नंबर ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ प्रीफर्ड, सॉरी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, मतलब कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है भाई, नंबर ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशन, मतलब कि पोजिशन के साथ प्लेस क्या है, क्या पोजीशन के साथ प्लेस क्या है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, मैंने बताया था ना आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। देन सिंस ईच ओरिएंटेशन, क्या सिंस ईच ओरिएंटेशन हमें पता चलता है, ईच ओरिएंटेशन कोरस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल, दस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब सेल, रेडी। नाउ वैल्यू ऑफ एम रेंज बिटवीन -L to +L इंक्लूडिंग 0, मतलब क्या है इसका समझिए, -L to +L के बीच में m की वैल्यू होती है उसका मतलब क्या, जैसे कि भाई मैं p ऑर्बिटल की बात करूं, चलो वो भी थोड़ा समझा देता हूं आपको, देखिए जैसे ही मैं सब सेल की बात करूं तो मेरे पास सब सेल जैसे कि s है, देन आफ्टर p है, देन आफ्टर d है, देन आफ्टर f है, क्लियर, मेरे पास चार सब सेल है
और ये आप बॉक्स बना ही लीजिएगा, बहुत काम का है, चार सबशेल मेरे पास है, क्लियर। उसके लिए मैं एल की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ चार सबशेल के लिए, तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या रहेगी, वन, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या रहेगी, टू, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या रहेगी, थ्री, रेडी ना। मतलब आप डायरेक्टली गिनना चाहो तो पी के लिए 0 1 दोनों होता है, डी के लिए 0 1 2 दोनों होता है, मतलब मैक्सिमम नंबर हम गिने तो इसी चीज़ के लिए जब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करता हूँ, मतलब कि ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ, तो वो ओरिएंटेशन दिखाता है। एम क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन दिखाता है। एम क्या दिखाता है, अगर एम ओरिएंटेशन दिखाता है, समझना बच्चों, तो मैं उस एम की वैल्यू भी लिख सकता हूँ कि अगर अगर मेरे पास, समझना, ये जो है, चलो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये जो है मेरी ऑर्बिटल्स है और ये मेरे L की वैल्यू है। अब मैं M की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो जो M की वैल्यू है वो L इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या रहती है, जीरो रहती है। बट जब P ऑर्बिटल की बात आती है तो P को तो हमने कितने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, याद करो, Px, Py एंड Pz, क्लियर। तो तीन पार्ट में अगर हमने उसको डिवाइड किया है तो M की वैल्यू भी तीन मिलती है, क्या, -1, 0 एंड +1, तीन, जैसे मैंने कहा ना, L की वैल्यू, M की वैल्यू जो होती है वो माइनस L से प्लस L तक चलती है, रेडी, क्या, माइनस L से प्लस L तक चलती है। वैसे ही जब मैं D की बात करता हूँ तो जो D है वो D की जगह पे क्या आएगा, M की वैल्यू मुझे 5 मिलती है, क्या, 5, लेकिन 2 से शुरू हो रहा है तो -2, -1, 0, +2, माफ कीजिए, +1, +2, रेडी। इसी तरीके से F की बात चलती है तो वहाँ पे 7 ऑर्बिटल मिलते हैं, जो कि ये 3 से है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, रेडी। तो आपको ये सारी बातें समझनी है बच्चों, और सारी बातों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी लेनी है कि M की वैल्यू यहाँ 0 रहती है, यहाँ 3 रहती है, यहाँ 5 रहती है और यहाँ 7 रहती है, ठीक है। बस वही हमें समझना है और वही हमें जानना है कि जब S इज इक्वल टू 0 है, क्या, जब s इक्वल टू 0 है तब, मतलब सॉरी, l इक्वल टू 0 है तब m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। बट जब p की वैल्यू 1 है, मतलब कि p ऑर्बिटल के लिए बात हो रही है, l की वैल्यू जब 1 है तब क्या रहेगी, 3। d ऑर्बिटल के लिए जब बात हो रही है, l की वैल्यू 2 है तब क्या रहेगी, 5। और f ऑर्बिटल की बात हो रही है, l की वैल्यू 3 है तब क्या रहेगी, 7, ठीक है। कौन कौन सी रहेगी उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। L की वैल्यू जो होती है वो L की वैल्यू के ऊपर M की वैल्यू डिपेंड करती है, रेडी। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला दे दूँ तो भी आपको पता चल जाएगा, ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, मैं लिख सकता हूँ M इज इक्वल टू 2L माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं हम, M इज इक्वल टू 2L माइनस 1, यानी कि मैं M की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, जैसे मैंने L लिया, समझना, जैसे मैंने क्या लिया है, L लिया है, तो L की वैल्यू मैं कोई भी लेता हूँ, मैंने L की वैल्यू जैसे 0 ले ली, मतलब कि L इज इक्वल टू 0 लिया तो M की वैल्यू भी मुझे 0 मिलेगी, बराबर, फर्स्ट केस के अंदर। हालांकि यहाँ पे मैं L की वैल्यू 0 लिखूँ तो 2 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 1 मिलेगा, बट M की मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर की वैल्यू, ये ध्यान रखना है एक्सेप्शन के लिए, कि L इज इक्वल टू 0 के लिए M ऑलवेज 0 रहता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंट होगा ही नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट आने के चांस ही कहाँ बनेंगे, सीधी बात है ना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। दूसरा खास आपको क्या ध्यान रखना है कि m की वैल्यू 2l प्लस 1 से डिसाइड होती है, यानी कि जैसे मैंने l की जगह पे 1 रखा, l की जगह पे मैंने 1 रखा, 1, तो 2 1 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सीधा 1, मतलब कि m की मुझे एक वैल्यू मिल सकती है वैसे, रेडी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं और l m की अलग अलग वैल्यू डिसाइड करते हैं। पहले m की वैल्यू मैंने ये लिख दी, m की वैल्यू 2 लिख दी, m की वैल्यू 3 लिख दी, वो डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब L की जगह पर जैसे मैं 2 लिखूँ, 2 4 माइनस 1 तो 3 मिलेगा, कौन से 3 मिलेगा, तो 3 कौन सी रहेगी मेरे पास वैल्यू, 3 वैल्यू भाई मेरे पास रहेगी -1, 0 एंड +1। मैं उसकी जगह पे कुछ और रख दूँ, 4 रख दूँ सपोज, तो 4 टू 8 माइनस 1 7 रहेगी। मैं उसकी जगह पे 3 रख दूँ, 3 6 माइनस 1 5 रहेगी। सो M की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, M की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, L के ऊपर। जैसे L की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती थी, N के ऊपर, बराबर। तो ये पूरा एक टेबल है बच्चों, इस टेबल को समझिए, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर S, मैं चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको लिखाता हूँ पूरा टेबल, तो थोड़ा समझ में आए आपको। जब मैं N की वैल्यू लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4, रेडी, तब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ मैं ऑर्बिटल क्या लिखूंगा, ऑर्बिटल भाई मैं लिखूंगा S P D एंड F,
रेडी। अब उसी के साथ सपोज दैट मुझे इसके साथ मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके साथ मैं अगर शेल लिखना चाहूँ, अगर मैं ऑर्बिट्स लिखना चाहूँ, शेल लिखना चाहूँ, शेल, तो शेल कौन सा लिख सकता हूँ, के एल एम एन। रेडी। अब सेम इसके ही जैसे मैं अगर इसके साथ क्या लिखना चाहूँ, एक मिनट, यस, अब इसके साथ सपोज मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ वैल्यू ऑफ एल, क्या लिखना चाहूँ, वैल्यू ऑफ एल। तो एल के बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया कि जब मेरे पास एन इज इक्वल टू वन होता है तब एल क्या रहता है, जीरो। एन इज इक्वल टू टू रहता है तब एल की वैल्यू उससे एक कम, यानी वन, और आगे हम लिख सकते हैं जीरो मैक्सिमम नंबर के साथ। फिर हम क्या लिख सकते हैं, टू, तो आगे लिख सकते हैं वन एंड जीरो। रेडी, समझ में आई बात। और यहाँ पे मैं अगर थ्री लिखता हूँ तो जीरो वन टू एंड थ्री। रेडी, तो एल की वैल्यू मिल गई। वैसे ही मुझे एम की वैल्यू मिलेगी, एम की वैल्यू, एम जीरो रहता है तब जीरो, लेकिन जब मैं दो वैल्यू लेता हूँ, एल इज इक्वल टू दो है ना, जीरो एंड वन, जीरो एंड वन मतलब नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आई, टू। तो जब मैं वैल्यू रखूँ, हमारा फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू टू एल माइनस वन, क्या था, एम इज इक्वल टू टू एल माइनस वन, यानी टू टू द फोर माइनस वन, थ्री वैल्यू मिलेगी एम की। कौन कौन सी थ्री मिलेगी, तो माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे थ्री है तो तीन रखता हूँ तो टू थ्री जा सिक्स माइनस वन, फाइव वैल्यू मिलेगी। तो वहाँ पे भी कौन सी मिलेगी, माइनस वन से लेके माइनस वन, सॉरी माइनस टू, माफ़ कीजिए, माइनस टू से लेके, माइनस टू से लेके प्लस टू। रेडी, माइनस टू प्लस टू जीरो। वैसे अगर मैं फोर लिखता हूँ तो फोर टू ज़ा, फोर टू ज़ा एट माइनस वन, यानी सेवन वैल्यू मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलेगी टोटल मुझे एम की, सेवन वैल्यू मिलेगी, कौन सी, माइनस थ्री से स्टार्ट होके प्लस थ्री तक। तो इस तरीके से बच्चों पूरा कनेक्टेड है ये टेबल जो है, वो खास आप लोग नोट डाउन कर दीजिए, इसमें से बहुत से एमसीक्यू आते हैं, क्योंकि जब आप आगे जाओगे आउफबाउ रूल पढ़ोगे तो आउफबाउ रूल के अंदर जैसे आपको आएगा भाई 5s ऑर्बिटल है मेरे पास, तो 5s ऑर्बिटल मतलब समझो, एक साथ में चलो बता ही देता हूँ एग्जाम्पल, 5s ऑर्बिटल का मतलब क्या, भाई मेरे पास 5s ऑर्बिटल है, मतलब कि 5 मतलब मेरे पास क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, n इज इक्वल टू 5, चलो जो है हमारे पास उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास 5s, मेरे पास चलो 4p है, क्या है, मेरे पास 4p है। अब 4p का मतलब क्या, 4 मेरा क्या है, 4 मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये रहा। साथ में मेरे पास ऑर्बिटल्स कौन सी है, भाई ऑर्बिटल मेरे पास p है। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि भाई पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या पॉसिबल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। रेडी, देन आफ्टर एम की कौन कौन सी और कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी पूछ सकते हैं। कौन सा सेल पॉसिबल है, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही टेबल में से बच्चों पूछी जाती है, तो ये टेबल आप लोग खास लर्न कर दीजिए, ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा हम डिस्कस करेंगे। रेडी, तो ये चीज़ खास ध्यान रखिए, ये जो क्वांटम नंबर है और ऑर्बिटल्स है, इसलिए मैंने पहले आपको ऑर्बिटल्स पढ़ा दिया, आपको पता चले कि ऑर्बिटल एक्चुअल में है क्या। तो क्वांटम नंबर जो है वो, साथ में जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल के साथ साथ आपको सारी बातें पता चलती जाएगी। सेल, एल की वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ एम। रेडी, ये सारा टेबल जो है पूरा आप लोग एक बार लिख दीजिए अच्छी तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए ना अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर के बारे में, जो मैंने हमको पढ़ाया बताया उसके बारे में, अंडर द इन्फ्लुएंस, वो तो सॉरी टॉपिक हो गया। देन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशन, उसके बारे में डिस्कशन हो गई। वैल्यू ऑफ एम की रेंज जो है वो भी आ गया, माइनस एल टू एल। नाउ द 3p ऑर्बिटल्स पर्टिकुलर प्रिंसिपल शेल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस माइनस वन प्लस वन एंड माइनस वन जीरो एंड प्लस वन। मींस अगर एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है बच्चों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है और ट्विस्ट भी इससे बहुत सारा होता है कि हाइड्रोजन एटम की जो, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, थस फॉर एच एटम ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का ऑर्डर क्या है, देखिए 1s, उसके बाद 2s आता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, ऐसा क्या है, पूरा वे है। मैं आपको आउफबाउ रूल जब पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ आपको मैं पढ़ा दूंगा किस तरीके से आया, बराबर। आउफबाउ रूल वो खास ध्यान रखिएगा तो आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, बराबर।
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ये सब क्या है, एक प्रकार के एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल को आगे आगे फील करते जाना होता है, मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, बराबर। तो ये चीज़, ये जो लाइन है वो लाइन हम आउकबाउ रूल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ समझिए कि ये जो यहाँ पे बताया गया है वो क्या है, एक प्रकार का एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और कुछ नहीं, बराबर। नाउ फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बताया गया है, फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज, एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। नाउ द टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, द टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम इन गिवन सब सेल इज 2L प्लस 1, देखो बताया गया है 2L प्लस 1 से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, माफ कीजिए मैंने आपको 2L माइनस 1 वहाँ पे बताया, रेडी, आप उसको 2L प्लस 1 से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने L की वैल्यू 12 माइनस 1 से भी कैलकुलेट होती है, उस टेंशन मत करना कि ऐसा क्यों, 12 माइनस 1 से किस तरीके से, मैंने आपको नंबर ऑफ सेल से समझाया, बराबर। आप यहाँ पे 12 प्लस 1 जैसे गिनते हो तो मैंने L की वैल्यू 0 रखी, L की वैल्यू क्या रखी, सपोज 0, मतलब कि मैंने मैक्सिमम नंबर नहीं लिया है, मैंने L की वैल्यू 0 रखी तो 2L प्लस 1 मतलब कि 0 हो गया, तो 1 से कैलकुलेट हो गया। मैंने L की वैल्यू 1 रखी तो 2 टू जा 4 प्लस 1 5 हो गया, फिर मैंने 3 रखी, तो इस तरीके से वो जो वैल्यू ऑफ, मैंने 1 रखी L की वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम नंबर लिया, बराबर। मैं आप उसको दोनों तरीके से गिन सकते हो, प्लस वन से माइनस वन से, लेकिन हाँ क्वेश्चन अगर आता है तो आपको मैंने पहले बताया वो नहीं लिखना है, आपको ये चीज़ लिखनी है कि m इज इक्वल टू 12 प्लस 1, रेडी, माइनस 1 गलती से लिख दिया है क्वेश्चन के लिए, बाकी मैंने आपको समझाया है वो तो आप एज इट इज समझिए, वो तो राइट ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बराबर। नाउ ऑर्बिटल्स इन गिवन शेल इज n स्क्वायर, इसके शेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल होती है वो किससे इंडिकेट की जाती है, n स्क्वायर से, ठीक है। बहुत काम का है ये भी पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन स्क्वायर। तो इसके ऊपर से देखिए बच्चों दो क्वेश्चन निकल के आ गए, क्या कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, समझना, ऑर्बिटल किससे बढ़ते हैं, ऑर्बिटल किससे कैलकुलेट होते हैं, एन स्क्वायर से, और ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन किससे कैलकुलेट होते हैं, 2n स्क्वायर से, रेडी ना, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। तो ये दोनों चीज आप लोग लिख लीजिए, सबसे पहले कि ऑर्बिटल जो है वो किससे, एन स्क्वायर से, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे, 2n स्क्वायर से, ऑर्बिटल जो है वो एन स्क्वायर से और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n स्क्वायर से कैलकुलेट किए जाते हैं, बराबर। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, रेडी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वांटम नंबर की ओर जाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जॉर्ज उल्हनबेक और गाउड स्मिट नाम के साइंटिस्ट ने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने, कुछ ऐसा बताया था कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है, जैसे हमारी अर्थ होती तो अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है, तो वो सन के आसपास भी घूमती है और खुद की एक्सिस पे भी घूमती है, वैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो वो खुद भी अपनी एक्सिस पे घूमते हैं। अब वो अपनी एक्सिस पे दो तरीके से घूम सकते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, मतलब कि मेरे पास, जैसे कि देखो मैं आपको थोड़ा समझाऊं, जैसे कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये जो है यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम के इसके आसपास क्या कर रहा होगा, मोशन में होगा, या तो वो यहाँ से उल्टा, मतलब कि इस तरीके से ऐसे घूम रहा होगा, मतलब कि रिवॉल्व कर रहा है, बट क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, या तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व कर रहा होगा तो मैं उसको ऐसे अपर एरो से दिखाऊंगा, मतलब क्या कि ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, बराबर। और अगर मैं उसको ऐसे नीचे एरो करके अगर दिखाऊंगा तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, समझना, माफ कीजिए, इस तरफ अगर जा रहा होगा तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, इस तरफ अगर वो जा रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, रेडी, समझ में आई बात। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर एरो ऊपर की साइड है, मतलब कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रेडी, और अगर एरो नीचे की साइड है तो वो कौन सी साइड, क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर। इन शॉर्ट ये भी हम जब हुंड का रूल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऊपर एरो और नीचे एरो का मतलब क्या है। अभी फिलहाल इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मोशन में आ सकते हैं, उसको लेके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिसाइड की गई। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू
इन सब से एकदम अलग है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दो ही हो सकती है। कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस वन बाई टू वैल्यू होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस वन बाई टू वैल्यू होती है। बराबर, ये जो है वो हमें किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड करने में बहुत काम में आता है। आप जब ट्वेल्थ में जाओगे बच्चों, तब एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, उसका आखिरी टॉपिक जब आप पढ़ोगे तब वहाँ पे पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, रेडी डायमैग्नेटिक, ऐसे अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस आएंगे। और वो सब्सटेंस आपको पढ़ने के लिए ये चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि हर एक सब्सटेंस के स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू से उनका मैग्नेटिक बिहेवियर डिसाइड किया जाता है। बराबर, नाउ फिलहाल बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो। द इलेक्ट्रॉन इन एटम नॉट ओनली मूव अराउंड द न्यूक्लियस बट ऑल्सो स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्लियर ना, मैंने जैसे बताया कि वो खुद तो खुद भी घूमता है, जैसे गोल गोल घूमता है न्यूक्लियस के आसपास, वैसे वो खुद अपने एक्सिस पे भी घूमता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन स्पिन एदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड सो द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज प्लस वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू, इफ क्लॉकवाइज देन प्लस वन बाई टू एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज देन माइनस वन बाई टू। दिस क्वांटम नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। रेडी, सो बच्चों आज चार क्वांटम नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करेंगे एन से, देन आफ्टर दूसरा कौन सा? एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, दूसरा नाम एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको इंडिकेट करेंगे एल से, देन आफ्टर पहला एन, देन आफ्टर एल मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर, एम 2L प्लस 1, याद रखना जो सिखाया है वो 2L माइनस 1 से सिखाया, वो मैंने नंबर ऑफ एल की वैल्यू जो थी उससे सिखाया है, लेकिन आप 2L प्लस 1 से भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये चारों चार क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर से सब कुछ डिसाइड होता है। ओके बच्चों, अब आखिरी टॉपिक की ओर जा रहे हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आउफबाउ रूल पढ़ेंगे, हुंड रूल पढ़ेंगे और पाउली रूल पढ़ेंगे। ये रूल के ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से हमें अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर फील करना है, जो हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे। तो बच्चों आज जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लिख दीजिए, टेबल खास याद कर लीजिए क्योंकि सबके साथ लिंकअप है वो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन फील करना सीखना है, और वो चीज़ अगर आपको आ जाएगी तो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होंगे उनके अंदर अब हम जो भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं वो आप उसके अंदर से सीख जाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।